पता है कि ये मुझे व्यवस्थित कर पाएगा, मेरा सदुपयोग कर पाएगा। भगवान को लक्ष्मी मिली। अच्छा, जैसे ही लक्ष्मी आई, अगली चीज मदरा निकल आई। जैसे ही हमारे पास धन आता है, जैसे ही मन का मंथन किया, नियंत्रण हुए, एक संकल्प किया और एक उपलब्धि प्राप्त की और अगली लक्ष्मी आ गई, मन से चल रही है सारी चीज। समुद्र मंथन स्पष्ट रूप से मन का मंथन है। तो जैसे ही धन आया, अब कुछ लोग तो अपने वैभव को सदकर्मों में लगाते हैं, लेकिन नारायण भी तो ऐसे करके चेक करते हैं कि कहीं गलत आदमी के पास तो नहीं चला गया ये सब। वो आपके पास आपकी परीक्षा लेंगे। तो समुद्र मंथन से जैसे ही लक्ष्मी आई, तो अगली चीज मदरा निकल के आई। और जैसे ही मदरा निकल के आई, तो मदरा को लेने के लिए दौड़े देव भी, डोले और असुर भी दौड़े। लेकिन वहीं बृहस्पति ने अपने शिष्यों को इशारा किया कि मदरा है, इससे दूर हटो, ये बदबूदार पदार्थ बड़ा भयानक है, विकृत हो जाओगे, अशुद्ध हो जाओगे, एक बूंद भी यदि अंदर चला गया तो भगवान और शरीर की देव सत्ता आपको छोड़ के चली जाएगी, देखना मत उस तरफ। देवताओं ने अपने गुरु की बात मानी और पीछे हट गए। मदरा कलश असुरों के बीच में रख दिया गया। असुरों में छीना झपटी मच गई मदरा को लेके, कि मैं पीऊं और मैं पीऊं और मैं पीऊं। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। सभी असुरों ने मिलके बड़ी शान से मदरा पान किया। और जैसे ही मदरा अंदर गई, तो मन और बुद्धि का तारतम्य बिगड़ गया। अब पैर कहीं चल रहे हैं, मन कहीं चल रहा है, दृष्टि कहीं चल रही है। वो अलसाए से, मदमस्त से, ड्रंक एंड करप्ट हुए, गिरते पड़ते से इधर उधर गिर रहे हैं। कोई नाली में गिर गया, कोई सड़क पे गिर गया, कोई ट्रेन से गिर गया। वो मस्त हो गए, अलसाहट फैल गई उनमें, एक अलग तरीके का मन वाणी चित्त का नियंत्रण आपस में बिगड़ गया। अब उन्हें पता नहीं वस्त्र धारण किए हैं कि नहीं, किस कार्य के लिए हम समुद्र मंथन कर रहे थे वो भूल गए। अब रस्सी तो खींच रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि खींचने से निकलने वाला क्या है। झूमते झूमते फिर रहे, इधर उधर घूम रहे हैं समुद्र के तट पे। इसी क्षण अमृत निकल आया। और जैसे ही अमृत निकला, लेकिन असुर इस समय प्रमाद में थे, मस्ती में थे, उनकी अलसाहट से अभी वो उभरे नहीं थे। और जैसे ही अमृत निकल के आया, तब अमृत को लेके दौड़े। और देवताओं के हाथ से छीन के ले गए। देवता ठगासा महसूस करने लगे कि हमने अमृत भी नहीं पिया और मदिरा को भी हमने हाथ नहीं लगाया था, और वो मदिरा भी पी गए थे, उन्होंने पाप भी किया था और उसके बाद अमृत भी लेके भाग गए। लेकिन ईश्वर कहां इतना अन्याय होने देता है? ईश्वर इतना अन्याय अपने भक्त पे नहीं होने देता है। भगवान मोहिनी स्वरूप धारण करके आ गए, साथ में एक गेंद और लाए हैं। साथ में एक गेंद उछालते हुए वह मोहिनी स्वरूप धारण करके प्रभु प्रकट हो गए। देवता दौड़े कि ये भी शायद समुद्र मंथन से कुछ निकला है। गुरु साथ में थे, सन्निधि गुरु की बहुत आवश्यकता पड़ती है बार बार। आज हमारे विकृत स्थिति में आने का बहुत बड़ा कारण यह है
कि हम गुरुओं से बिलग हो गए। गुरु ने संकेत किया, दूर हटो, ये मोहिनी है। मोहिनी बड़ी सुंदर थी, उन्हें देख शिव आसक्त हो गए, शिव दौड़े उनके पीछे, मोहिनी के पीछे शिव दौड़ रहे हैं। तो किसी ने पार्वती से कहा कि तेरा शिव तो वहां दौड़ रहा है मोहिनी के पीछे। पार्वती बोली, वो मोहिनी नहीं, मोहन है, तुम नहीं पहचान पा रहे हो। तो वहां दूर जाके भगवान शिव ने मोहिनी का पल्लू पकड़ा, तो मोहिनी स्वरूप में भगवान बोले, ये मेरा पल्लू क्यों पकड़ रहे हो, लोग क्या कहेंगे, आसक्त तो हो रहे हो मुझ में। बोले, नहीं, मैंने पल्लू इसलिए पकड़ा है कि जब से मैंने विष पिया है तो लोग मुझे महादेव महादेव करके बड़ा कर दिया है, तो मैं इसलिए पल्लू पकड़ रहा हूं कि लोग ये समझें कि मैं आसक्त भी हो सकता हूं, मैं आपके कद का नहीं हूं, मैं बहुत नीचा हूं, इसलिए मैं आपका पल्लू पकड़ रहा हूं। बार बार बर मांगहू हरस देव श्री रंग, प्रसन्न होके आप मुझे ये दे दीजिए कि मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। ये भक्त की प्राइमरी डिमांड है। यदि भक्त इसके अलावा कुछ मांग रहा है तो वो गलती पर है। ब्रज के संत थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी कदम खंडी में रहते थे और सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में रहते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी अपने भाई के पास आए, एक संत बड़े संत अपने छोटे भाई के पास आए। तो वहां जब छोटे भाई ने रूप ने देखा कि आप तो बड़े वृद्ध से हो गए हैं, कुछ खान पान अच्छे से नहीं चल रहा है, आपकी तो देखो शरीर की हड्डियां चमक रही हैं, तो वो ऐसे उनके शरीर पे हाथ फिराने लगे। और मन में भाव आया कि भैया बहुत दिनों के बाद आए हैं, बड़े कमजोर हो रहे हैं, इनके लिए यदि मैं खीर बना दूं, खीर इन्हें खिला दूं तो अच्छा रहेगा, बहुत दिन से कुछ अच्छा खाया नहीं है इन्होंने। इधर सनातन को समय नहीं मिलता था, वो सुबह भोर में उठते थे ब्रह्म में और अपनी साधना में लीन हो जाते थे, अलौनी रोटी खाते थे नमक के साथ, रात को जो भिक्षा टन में आया वो रोटी को पानी में गला देते थे और सुबह उस रोटी को पानी से निकाल के नमक डाल के खा जाते थे। ये संतों का भोजन है। तो तप बहुत ज्यादा करते थे, शरीर सूख गया था। उधर रूप की भी स्थिति यही थी, शरीर उसका भी सूख रहा था, क्योंकि वो भी यही भोजन करते थे और दिन रात राधा रानी का नाम जप करते थे।